हरियाणा रोडवेज का सचिवालय पर धरना व भूख हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। अब ये धरना रेवाड़ी छोड़कर प्रदेश स्तर पर दिखाई देने लगा है। कल हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा व रोडवेज वर्कर यूनियन हरियाणा ने घोषणा की है कि कल से प्रदेश के सभी जिलों के डिपो पर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। हम आपको बता दें कि रोडवेज के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से जिला सचिवालय पर धरना दे रहे हैं तथा सांकेतिक भूख हड़ताल भी जारी रखे हुए हैं। कर्मचारी यूनियन ने अपने ही जीएम लाजपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी सरकार से जीएम का तबादला कर जांच करने की मांग कर रही है। कर्मचारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जीएम भाजपा नेत्री व विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव के मंझले भाई है, इसलिए वे अपनी मनमानी जीपों में चलाते हैं। उन्हीं की कार्यप्रणाली का नतीजा है कि यहां प्रदेश में रेवाड़ी जीपो 4थे स्थान पर था। अब उनकी कारगुजारियों के चलते अब यह जीपो 17वें स्थान पर चला गया। वहीं जीएम पर होर्डिंग घोटाले के भी आरोप लगे हैं। इन सभी आरोपों को लेकर पिछले 4 माह से सरकार से जांच की मांग कर रही है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव होने के चलते उनकी जांच तक भी नहीं हो पाई। हमारे दूरभाष पे बात हुई है हमारे जिला राज्य प्रधान से, उन्होंने ये कहा है कि कल जीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में हर डिपो में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष समिति है जो ये ऐलान कर चुकी है। सभी मिलकर आपकी यूनियन और महासंघ के तो संयुक्त तत्वावधान में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा जाएगा सभी डिपो।